अंडरवर्ल्ड अकेनिंग। दोस्तों अंडरवर्ल्ड के दूसरे मूवी अंडरवर्ल्ड इवोल्यूशन में हमने देखा था कि सेलिन और माइकल ने मार्कस और विलियम को मार दिए थे और उसके बाद दोनों साथ में रहने लगे थे। इस मूवी की शुरुआत में हमें सेलिन अपनी कहानी बता रही थी। वो बताती है कि वो एक बहुत ही बड़ी जंग का हिस्सा थी जो कि हजारों सालों से इंसानों से छुपती हुई आ रही थी और ये जंग लाइकेंस और वैम्पायरों के बीच हो रही थी। तभी उसकी मुलाकात माइकल से हुई जो कि ना तो लाइकेन था और ना ही वैम्पायर, बल्कि दोनों का मिलावट था, जिससे प्यार करने पर सारे वैम्पायर सेलिन के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से सेलिन माइकल के साथ अलग रह रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोगों को वैम्पायर और लाइकेंस के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से लोग यूवी बुलेट्स और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करके सारे वैम्पायर और लाइकेन को मार रहे होते हैं। तभी एक साइंटिस्ट जिसका नाम जैकब होता है वो टीवी पर बोल रहा होता है कि वैम्पायर और लाइकेंस का कुछ भी इलाज नहीं है, जिसकी वजह से उनको मारना होगा, और सारे पुलिस ढूंढ ढूंढ कर एक एक वैम्पायर और लाइकेंस को मारते जा रहे थे। तभी हमें सेलिन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों से लड़के और उनको मार के पोर्ट में पहुंचती है, जहां पर माइकल उसका इंतजार कर रहा था, जहां से दोनों से काफी दूर भागने वाले थे। मगर तभी पुलिस पोर्ट को चारों तरफ से घेर देती है और माइकल पर गोली चला देते हैं, जिससे घायल होकर माइकल समंदर में गिर जाता है। सेलिन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जब वो पानी के अंदर माइकल से मिलती है तभी पुलिस वाले वहां पर एक बम पानी के अंदर फेंक देते हैं जो कि जाकर सेलिन और माइकल के बीच में फूट जाती है, जिससे माइकल और सेलिन अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हमें विजन को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा था और उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए थे और बोल रहे होते हैं कि सब्जेक्ट वन भाग रहा है। तभी वो विजन जाकर एक लॉक खोलता है जो कि आइस से बना हुआ था और उसके अंदर सेलिन कैद थी। सेलिन जब बाहर आती है तो उस रूम के चारों तरफ देखने लगती है और जो साइंटिस्ट उसे कैद करके रखे थे उनके लाम में जैकब आता है और उन साइंटिस्ट को ऑर्डर देता है कि बेहोशी का इंजेक्शन देकर उस सेलिन को दोबारा सुला दे। तभी सेलिन उस लाभ को तोड़ के बाहर आ जाती है और उन दो साइंटिस्ट को माइकल के बारे में पूछती है। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट उस पर हमला कर देता है और सेलिन उस साइंटिस्ट को मार देती है और वहां से भागने लगती है। रास्ते में उसे पकड़ने के लिए सारे लोग आते हैं मगर सेलिन उस सबको मार के आगे बढ़ती है। तभी एक साइंटिस्ट को सेलिन खिड़की के पास नजर आती है और ये बात वो जैकब से बोलता है, मगर जैकब उस साइंटिस्ट को बोलता है कि वो सेलिन को जाने दे ताकि वो उसे सब्जेक्ट वन तक पहुंचा दे। फिर वो साइंटिस्ट कुछ नहीं करता है और सेलिन वहां से एक ट्रक पर कूद जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उस ट्रक वाला देखता है कि उसके ट्रक में वैम्पायर है, जिसकी वजह से वो जोर से ब्रेक मारता है जिससे सेलिन ट्रक के सामने आकर गिरती है। और जब वो ट्रक वाला सेलिन के ऊपर गोली चलाने के लिए जाता है तो सेलिन उस ट्रक वाले को काट देती है और उसकी याद पड़ने लगती है। तभी सेलिन को उस पोर्ट का रास्ता पता चलता है और वो उस पोर्ट पर चली जाती है, मगर वो पोर्ट बंद हो चुका था और उसे चारों तरफ पुलिस सील कर चुकी थी। मगर सेलिन पोर्ट के अंदर चली जाती है और उस जगह को देखने लगती है। तभी एक पुलिस वाला वहां पर आता है और सेलिन से बोलता है कि ये पोर्ट बहुत दिनों से बंद पड़ी है। जब सेलिन उसे पूछती है कि कितने दिनों से, तो पुलिस वाला बोलता है कि करीब 12 साल पहले से। 12 साल पहले यहाँ पर कुछ जंग जैसा हुआ था, तभी से ये पोर्ट बंद है। ये बात सुनकर सेलिन बहुत ही हैरान होती है। तभी उस पुलिस वाले को शहर में हो रही हालचाल का रिपोर्ट आता है और वो उसमें बिजी हो जाता है। और जब वो रिपोर्ट सुनकर वापस सेलिन की तरफ देखता है तो सेलिन वहां पर नहीं होती है। आगे हम एक लाश को देखते हैं जिसको एक पुलिस वाला जिसका नाम सबास्टियन होता है वो लाश की जांच कर रहे थे। तभी उनको पुलिस की तरफ से एक कॉल आती है जहां पर एक ऑफिसर उनको बोलता है कि एंटीजन लैब से कोई भाग गया है और उनको जाकर उसका पता करना होगा। तभी सबास्टियन एंटीजन लैब में चले जाते हैं और वहां के चीफ जैकब से बात करते हैं। जैकब उनको बोलता है कि उनका लैब सुरक्षित है और वहां से कोई भी नहीं भागा, मगर सबास्टियन को जैकब पर शक होती है और वो वहां से चला जाता है। कार में सबास्टियन का जूनियर सीसीटीवी का एक फोटो उसको दिखाता है और बोलता है कि जैकब झूठ बोल रहा है। उस फोटो में सेलिन थी जो कि लैब से शीशा तोड़कर कूद रही थी। फिर हमें उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि जैकब के साथ काम कर रहा था। सेलिन उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग में आ चुकी थी। फिर सेलिन उस साइंटिस्ट को नीचे फेंकने की धमकी देकर सब्जेक्ट टू के बारे में पूछती है और साथ ही पूछती है कि वो उनके साथ क्या कर रहे थे। तो साइंटिस्ट बताता है कि वो उनके डीएनए से एंटीडोट बना रहे थे जिससे बाकी लोग ठीक हो सकते हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि उसे सिर्फ इतना पता है जब कभी सब्जेक्ट टू सेलिन के पास होती है तो उन दोनों के दिमाग की तरंग में हलचल होती है। फिर वो साइंटिस्ट सेलिन को छोड़ने के लिए बोलता है मगर सेलिन उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। तभी उसे वापस से भिजन आने लगती है और उस जगह का पीछा करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक और आदमी हथियार के साथ सेलिन का पीछा करता है। सेलिन जब उस कमरे में पहुंचती है तभी उसे कुछ लाइकेन नजर आते हैं और सेलिन छुपते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है। तभी उसके सामने उस आदमी से होती है जो कि उसका पीछा कर रहा था। सेलिन उसे मारने वाली थी। तभी वो आदमी बोलता है कि वो एक वैम्पायर है और उसका नाम डेविड है। तभी सेलिन को वापस से भिजन आती है कि कई सारे लाइकेन उस पर हमला करने वाले हैं। तभी सेलिन उस जगह पर जाती है और उन लाइकेंस को मारने लगती है। तभी वो देखती है कि उसे जो विजन आ रही थी वो एक छोटी बच्ची की थी। तभी वहां पर डेविड आता है और बोलता है कि वहां पर और भेड़िए आ सकते हैं और उनको वहां से जाना होगा। फिर सेलिन डेविड और उस छोटी बच्ची वहां से एक वैन के जरिए भाग जाते हैं, मगर तीन लाइकेन उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनका पीछा करते हुए वैन तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। उन तीनों में से एक लाइकेन उस बच्ची के पास पहुंचकर उसे काटने लगती है, मगर तभी वो लड़की बदल जाती है और उस भेड़ियों को मार देती है। इस तरफ डेविड और सेलिन भी बाकी दो लाइकेंस को मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं।
तभी हम देखते हैं कि एक आदमी अपने कार में से उन लाइकेंस को देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिन उस बच्चे से बात कर रही होती है, तभी वो बच्ची बोलती है कि वो सब्जेक्ट 2 है और उसने सेलिन को आजाद किया था और वो उसकी बेटी है। सेलिन उसे माइकल के बारे में पूछती है मगर वो लड़की बोलती कि उसे कुछ भी नहीं पता है। तभी सेलिन उसकी खून पीने लगती है मगर उसे भी माइकल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी सेलिन देखती है कि उसकी बेटी के घाव ठीक नहीं है। तभी डेविड सेलिन और उसकी बेटी को अपने गुफा में ले जाता है जहाँ पर वाकई वैम्पायर थे। डेविड के डैड सेलिन का वहाँ पर मौजूद होने पर खुश नहीं थे, वो सेलिन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। तभी बातों बातों में सेलिन को पता चलता है कि माइकल मर चुका है जिससे वो बहुत ही दुखी होती है। तभी वहाँ पर वैम्पायरों की डॉक्टर आती है और सेलिन की बेटी को अपना खून पीने के लिए देती है जिससे पीने के बाद उसके घाव भर जाती है और वो ठीक हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस जगह पर हमला होने लगती है जहाँ पर सारे वैम्पायर छुपे हुए थे। डेविड के डैड थॉमस इन सारे बातों को जिम्मेदार सेलिन को बोलते हैं मगर डेविड सबको अपने साथ लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सब देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे लाइकेन आए हुए थे जो कि वैम्पायर के ऊपर हमला करने लगते हैं। लड़ते हुए डेविड के साथ बाकी सारे वैम्पायर मारे जाते हैं। तभी एक बहुत ही बड़ा लाइकेन सेलिन पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब सेलिन की होश आती है तो अपनी बेटी को ढूंढते हुए थॉमस के पास जाती है। तभी थॉमस उसे बोलता है कि उसने सेलिन की बेटी को उन लाइकेंस को दे दिया है। तभी सेलिन बताती है कि वो लोग उसके इस्तेमाल करके कुछ गलत काम करने वाले हैं क्योंकि उसकी बेटी के अंदर अलेक्जेंडर कॉर्विनस का खून है मगर थॉमस उसकी बात नहीं मानता है। फिर सेलिन अपना खून निकालकर डेविड के हार्ट पर देती है जिससे डेविड वापस से जिंदा हो जाता है और फिर सेलिन वहां से चली आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिन सब बैरिस्टर के सामने पहुंचती है और उसे लाइकेंस के बारे में पूछने लगती है। तभी सब बैरिस्टर सेलिन को अपने ऑफिस में ले जाता है और सारी बात बताने लगता है। तभी सेलिन को एंटीजन पर शक होती है और वो सब बैरिस्टर को लेकर एंटीजन की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में सेलिन उसे पूछता है कि वो क्यों उसका मदद कर रहा है तो सब बैरिस्टर बोलता है कि उसकी वाइफ भी एक वैम्पायर है जो कि उसे बहुत प्यार करती थी मगर एक दिन उसे अलविदा बोलकर वो धूप में चली गई। फिर सब बैरिस्टर सेलिन से पूछता है कि उस पर धूप का असर क्यों नहीं होता है तो वो बोलता है कि उसके खून में कॉर्विनस का खून मिला हुआ है। इस तरफ हम देखते हैं कि जैकब बाकी साइंटिस्ट की मदद से सेलिन की बेटी ईव का खून निकालता है और उसका टेस्ट करने लगता है जिससे लाइकेंस पर चांदी का असर ना हो। तभी उसके असिस्टेंट वहां पर आती है और उन सबका विरोध करने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि जैकब और वहां पर मौजूद सारे साइंटिस्ट लाइकेंस थे और तभी पीछे से जैकब का बेटा क्विंट आता है और उस साइंटिस्ट को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जैकब क्विंट को एंटीडोट दे रहा था तभी वहां पर सेलिन सब बैरिस्टर के सामने आती है और प्लान बनाकर एंटीजन के अंदर चली जाती है और वहां पर बम लगा के सारे लिफ्ट तोड़ देती है और फिर सबको मारने लगती है। इस तरफ ईव को भी होश आ चुका था और फिर वहां पर सब बैरिस्टर आता है और उनको रोकता है। तभी वहां पर डेविड भी आ जाता है और उनके साथ लड़ने लगता है। सेलिन भी वहां पर पहुंच चुकी थी और उसके साथ क्विंट भी। तभी क्विंट लाइकेन के रूप में बदल जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो बड़ा सा लाइकेन क्विंट ही था और वो सेलिन पर हमला करने लगता है। तभी सेलिन उसे एक छोटे से जगह पर ले जाती है जिससे मजबूर होकर क्विंट वापस से इंसान बनता है और उस जगह पर चला जाता है। तभी सेलिन प्लान करके उसके शरीर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट की एक बॉम्ब रख देती है। क्विंट के घाव जल्दी बढ़ते थे इसके वजह से बॉम्ब उसके शरीर के अंदर ही ब्लास्ट हो जाती है और उसके बाद क्विंट का शरीर फट जाता है और वो मर जाता है। इस तरफ ईव भी जैकब से लड़कर उसे मार देती है। इस सब के बीच सेलिन को माइकल दिख चुका था जो कि आइस में कैद था। सेलिन उस कैद को तोड़ देती है। जंग खत्म होने के बाद जब सेलिन उस कैद के पास जाती है तो माइकल वहां से भाग चुका था। तभी ईव को माइकल के विजन आती है और वो सेलिन को बोलती है कि वो छत पर है। जब सेलिन छत में जाती है तो वहां से माइकल भाग चुका था और फिर मूवी यहीं पर आकर एक सस्पेंस के साथ खत्म होती है। दोस्तों ये थे हॉरर थ्रिलर मूवी अंडरवर्ल्ड ऑकेनी का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम आपके लिए जल्दी इसका अगला मूवी लाने वाले हैं इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।